आपको बता दें, बीते 10 दिसंबर को जिले के थाना कोतवाली मुरसान थाने को जनपद न्यायालय से हटाकर आउटलाइन कोर्ट सादाबाद से लिंक किए जाने को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ता थाना मुरसान को पूरा जनपद न्यायालय से लिंक किए जाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। हाईकोर्ट से मिले आश्वासन के बाद मंगलवार को अधिवक्ताओं ने अपने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया। अधिवक्ता जालिम ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद न्यायालय पर अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे अधिवक्ताओं के मामले हमने अपना एक डेलीगेशन हाईकोर्ट भेजा, जिसमें बार अधीक्षक लक्ष्मीकांत सासवत, पूर्व बार अध्यक्ष राकेश शर्मा, मुन्ना लाल पुंडीर और दो अन्य अधिवक्ता शामिल थे। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की बात को सुनते हुए मामले में विचार करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया। हमारा थाना मुरसान को यहाँ कार्य क्षेत्र लगता था इसी दीवानी न्यायालय में हाथरस में, उसको गलत ढंग से पॉलिसी के खिलाफ, नीति के खिलाफ, सिद्धांत के खिलाफ गलत तरीके से सादाबाद आउटलाइन पर जोड़ दिया गया था यहाँ के कार्य क्षेत्र। इससे बादकारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा था, वकीलों का भी नुकसान हो रहा था, प्रशासन को भी परेशानी हो रही थी। इसलिए उस थाने को पुनः इसी स्थान पर लाने के लिए, कार्य क्षेत्र को, थाना मुरसान को यहाँ लाने के लिए आंदोलन शुरू किया। कितने दिनों से धरना प्रदर्शन आपका चल रहा था? ये आज 15वां दिन है, आज 24 तारीख हो गई, 10 तारीख से प्रारंभ हुआ था, तो आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं। तो क्या